13 किलोमीटर केयर ब्लॉक की पीएम रखेंगे आधारशिला। जम्मू कश्मीर संभाग में बनेगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक। गुजरात से वर्चुअल करेंगे प्रधानमंत्री सीसीबी का उद्घाटन। डमटाल में बड़ा हादसा होते होते टला, पटरी पर दौड़ी बिना ड्राइवर के मालगाड़ी, मालगाड़ी को ऊंची बस्सी में रोका गया। स्वर्णकोट में अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, लसाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध खनन, मूक दर्शक बना खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले 13 आयुक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। परियोजनाओं में जिला अस्पताल बड़गाम और जीएमसी जम्मू में 100 बेड वाले सीसीबी शामिल होंगे। और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज गुजरात से ये जो 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक है इनकी आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें कि 100 बेड से बनने वाले सीसी ब्लॉक रहेंगे। और वहीं पर आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ये जो सीसी ब्लॉक्स हैं ये बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की जो आधारशिला है वो रखी गई है और 350 करोड़ की लागत से ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में ये जो सीसी ब्लॉक्स हैं ये बनाए जा रहे हैं। जिस बीच जीएमसी जम्मू में 100 बेड का सीसी ब्लॉक बनाया जाएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जिला अस्पताल बड़गाम की, तो यहाँ पर भी 100 बेड का जो सीसीबी है वो बनाया जाएगा, यानी कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स जो है बनाए जाएंगे। जिला अस्पताल कुलगाम, जीएमसी बारामूला में भी 50-50 बेड के जो सीसीबी है वो बनाए जा रहे हैं। जीएमसी राजौरी, जीएमसी कठुआ में भी 50 बेड का जो सीसीबी है वो बनाया जाएगा। और आज कुल मिलाकर 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की आधारशिला रखी जा रही है। पुलवामा, कुपवाड़ा, रियासी, पीएचसी में भी ये जो सीसी ब्लॉक्स हैं ये बनाए जा रहे हैं। जिला अस्पताल शोपिया में 50 बेड का सीसीबी बनाया जाएगा। पीएम और एबीएचआईएम के तहत ये सीसीबी का निर्माण किया जाएगा और इन बेड्स में खासकर जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बेड्स हैं ये इसका एक सेक्शन बनाया जा रहा है। और आज गुजरात से ही इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और जम्मू कश्मीर को एक और सौगात देते हुए वो नजर आएंगे। और इस बीच जैसे हमने आपको अलग अलग जिला अस्पतालों की बात बताई, जहाँ जीएमसी जम्मू में 100 बेड का ये सीसी ब्लॉक बनेगा, वहीं पर जिला अस्पताल बड़गाम में भी 100 बेड का ये सीसीबी ब्लॉक बनेगा। और जिला अस्पताल कुलगाम, जीएमसी बारामूला में भी ये जो 50-50 बेड के दो ब्लॉक्स बनाएंगे। और जीएमसी राजौरी में भी और जीएमसी कठुआ में भी 50 बेड का सीसीबी बनेगा। और एसकेआईएमएस और वहीं पर बेमीना में 50 बेड का ये जो सीसीबी ब्लॉक है ये बनाया जाएगा। और पीएम और एबीएचआईएम के तहत इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आज आधारशिला रख दी गई है और इस कार्य की शुरुआत जो है वो आज से हो जाएगी। क्रिटिकल ब्लॉक्स जो बनाए जा रहे हैं, क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इसका काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ सेक्टर है उसको एक बूस्टअप मिलेगा, एक जो फ़ायदा है वो मिलेगा। और इस फायदे के तहत ही ये जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैं ये बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता अनिल यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ आ रही है। अनिल, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू के जीएमसी अस्पताल में 100 बेड का सीसीबी बनने जा रहा है, इससे जो फायदा है वो काफी हद तक पहुंचेगा, और इस बीच किस तरीके से इसकी आधारशिला रखी गई है और कार्यों में कब इसकी शुरुआत होगी और क्या कुछ आगे का प्रोसीजर रहेगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो एक और बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर में देने जा रहे हैं। हालांकि गुजरात से बैठकर ये पूरे वर्चुअल मोड पर ये कार्यक्रम रहने वाला है। लगभग 3:45 पर ये कार्यक्रम का आगाज होगा और प्रधानमंत्री जो है वर्चुअल मोड पर ज्वाइन होंगे। और ये आधारशिला अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और इसी के साथ साथ अन्य राज्यों में इसी तरह की परियोजनाएं जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो समर्पित की जाएंगी। तो आपने देख सकते हैं कि एक बड़ी नींव जो है वो रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा जो है
वो अवगत करवाया जाता है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रणालियों को लेकर आपने देखा कोविड का काल था तो किस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से लीड लेकर जो है कोविड वैक्सीन हो या फिर खान पान की सामग्री हो उसको लेकर जो है हर एक सेवा जो है वो आम जनता तक समर्पित करने का प्रयास किया। और उसी बीच अब ये सीसी की बात करते हैं तो जिसपे आपने जिक्र किया और हमारी जनता को भी अवगत करवाया कि एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है और इससे ये होगा कि जो हमारे जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते थे जिनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिनको कई समय ऐसा होता था कि उन्हें आपने देखा होगा कि पहले जब टीएमसी के अंदर हैवी रश होता है या फिर उसके बाद जो क्रिटिकल पेशेंट वहां पर आते हैं उन्हें रेफर करना पड़ता है या फिर किसी कारण जो है उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सौगात जो है चाहे वो जम्मू है या फिर कश्मीर है या फिर अन्य राज्यों की स्टेट्स हैं, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर इस तरह की सेवाएं जो है वो समर्पित होने जा रही है, तो अपने आप में एक बड़ी सेवा है जिसे हम जन सेवा भी कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा लाभ जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी एक राहत होगी, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो उसे कोई भी आपके देखिए जम्मू कश्मीर के जीएमसी की बात करूंगा, खासकर जम्मू की जीएमसी की हर एक लोगों की जो है एक आस है जिसमें आपको बता दें कि चाहे वो राजौरी पुंछ की बात करते हैं या फिर कठुआ बनिहाल की बात करते हैं, सांबा की बात करते हैं, हालांकि अब एम्स का तो निर्माण हो चुका है मगर कहीं ना कहीं लोगों की अभी भी आस जो है वो जीएमसी पर अटकती है। तो जिस बीच ये एक बड़ा प्रधानमंत्री द्वारा जो है हम ये कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है जिसमें जम्मू कश्मीर की बात करें और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा और वहीं पर आज 350 करोड़ रुपए तक की जो ये 13 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हैं इनका आधारशिला रखी गई है और इस बीच जम्मू का जीएमसी अस्पताल भी है जहां पर 100 बेड का सीसी भी बनने जा रहा है। तो चलिए रुकते हैं एक छोटे से पर। दौड़ने से रेलवे विभाग हरकत में आया और रेलवे पटरी को खाली करवा दिया गया और वहीं पर ट्रेन को ऊंची बस्ती में आकर रोका गया। और इस खबर पर अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर रंजीव मेहता जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। पर अभी जो तस्वीर देख रहे हैं उस मालगाड़ी की है जो कि बिना ड्राइवर के पटरी पर दौड़ती हुई नजर आई, जिसके बाद से जब इसकी जानकारी रेल विभाग को लगी तो ट्रैक्स को खाली करवा दिया गया क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और फिर जो पठानकोट से के डमटाल इलाके से ये रेलगाड़ी निकली थी इसे यहाँ पर आकर कठुआ में आकर रोका गया और ऊंची बसी इलाके में से रोका गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो मालगाड़ी चल रही है और इसको चलाने के लिए कोई भी नहीं है, यानी कि कोई भी जो पायलट है वो इसमें नहीं बैठा हुआ और ये जो ट्रेन है ये ऐसे ही चलती हुई नजर आई। रेल विभाग की अब जांच कमेटी बैठी है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई है, क्या कारण था इस लापरवाही का, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अगर कोई ट्रेन सामने से आती होती तो भी ये जो हादसा था ये हो सकता था। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता यहां पर जुड़ चुके हैं, तो रंजीव से जानेंगे। रंजीव आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो ये कारण क्या कुछ था कि ये जो मालगाड़ी है ये बिना पायलट के पटरी पर दौड़ती हुई नजर आई। जो कठुआ स्टेशन पर ये गाड़ी खड़ी थी जो कंकरा जो पत्थर जो कंक्रीट का सामान होता है रेलवे का उसको उसके बरी एक मालगाड़ी जो खड़ी थी और सुबह 7:20 पर इसका इंजन स्टार्ट किया ड्राइवर ने और जैसे ही वह इसकी जो हैंड ब्रेक है वो लगाना भूल गया और नीचे उतरा और गाड़ी आहिस्ता से चलने लग पड़ी। चलने का कारण जो है कठुआ स्टेशन पर ऐसी हरकतें पहले भी देखी जा चुकी हैं क्योंकि ग्रेडियंट की यहाँ पे प्रॉब्लम है, इनकी जो पटरी है रेलवे की यहाँ की ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है। ये एक्सक्लूसिव गुलिस्तान न्यूज पर हम बता रहे हैं कि ग्रेडियंट की प्रॉब्लम जो है कठुआ स्टेशन पर पिछले काफी समय से है क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी और जो रेलवे ने जो पटरी बनाई है उसमें जो पुराना फॉल्ट है उसकी वजह से यहाँ पर एक ढलान है जिसकी वजह से अगर हैंड ब्रेक गाड़ी को नहीं लगाई जाए मालगाड़ी को तो वहां से ये ट्रेन जो है वो खुद भी खुद चल पड़ती है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा करीब एक दशक से भी अधिक समय पहले कि
जब भी पंजाब की तरफ से या दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां आती थी वो पल्लवी यहाँ पर ग्रेडियंट की वजह से रुक जाती थी और उनके पहिए एक ही जगह पर घूमते थे, फिर उनकी शंटिंग करके उनको वहां से निकाला जाता था। तो वही प्रॉब्लम आज ऐसे आई कि अब जब जम्मू की तरफ से पंजाब की तरफ जाने वाली ये मालगाड़ी वहां पे रोकी गई और जैसे लोकोमोटिव जिसका पायलट था वो नीचे उतरा और ये ढलान होने की वजह से क्योंकि इसकी हैंड ब्रेक नहीं लगी थी तो ये चल पड़ी और चल देखते ही देखते पहले इसको वहीं पर रोकने की कोशिश की गई रेलवे जो प्रशासन के लोग वहां पे मौजूद थे लेकिन वहां पे सफल नहीं हुए और देखते देखते इसकी स्पीड जो है वो काफी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो गई, जिसको देखते हुए स्टेशन मास्टर ने आगे के जितने भी स्टेशन पड़ते हैं उनको सूचना दी और जो पटरी है मेन पटरी है उसको खाली करवाया गया, जो गाड़ियां उस पर थी उनको साइड लाइन में करवाया गया, इसके चलते ये गाड़ी चलती गई। लेकिन इसको सजानपुर में भी रोकने की कोशिश की गई, पठानकोट के सजानपुर में रोकने की कोशिश की गई लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। पठानकोट से आगे पठानकोट का जो कैंट का स्टेशन है वो बिजी स्टेशन है, वहां पर कोशिश नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जो कंदरौड़ी का स्टेशन है वहां पर भी कोशिश हुई, तो यहां से चलती गई और ये पंजाब के हुशियारपुर के ऊंची ऊंची बस्सी जो स्टेशन है वहां पर आकर जैसे इसकी स्पीड कम हुई तो इसको लकड़ी के घुटके लगाकर रोक दिया गया और इसे एक बड़ी जो त्रासदी होने वाली थी उसको बचाया गया। लेकिन इतनी बड़ी चूक जो रेलवे के अथॉरिटीज की है वो देखने को सामने मिली है, जिसको लेकर जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उन्होंने जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू के जो रेलवे ट्रैफिक मैनेजर है उन्होंने बताया कि इसकी जांच शुरू कर दी गई है और जो भी इसकी चूक के कारण है उनको तलाशा जाएगा और साथ में जितना भी जो भी प्रोटोकॉल सुरक्षा के लिए रेलवे ने निर्धारित किए हैं उसको मजबूत करने के लिए भी काम जो है वो किया जाएगा कि कहां पर चूक हुई, ये सारी डिटेल्स जो है ये बकायदा एक रिपोर्ट जो विस्तृत है वो जांच कमेटी को दी जाएगी। और इस हादसे के बाद से जहां पर हड़कंप मचा हुआ पूरे फिरोजपुर रेलवे डिवीजन में और जिसके चलते लोगों में भी काफी दहशत हो गई थी जब ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिना लोको पायलट के ये जो ट्रेन थी ये चलना शुरू हो गई जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता था, हालांकि किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं हुआ और जिसके बाद अब जांच को शुरू कर दिया गया है। तो चलिए रुकना है, स्थानीय प्रशासन का कोई डर है, आलम यह है कि खनन माफियाओं द्वारा लसाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है और खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। इस खबर पर हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता आकाश मलिक यहां जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरी जानकारी क्या कुछ है। उससे पहले आप देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है लसाना क्षेत्र से, जहां पर बड़ी तादाद में और बड़े पैमाने पर ये जो खनन माफिया है ये यहाँ खनन करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बीच भी प्रशासन इन पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ सोरनकोट बल्कि जम्मू कश्मीर के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खनन माफिया धड़ल्ले से काम करते हुए नजर आते हैं। दिन रात भारी मशीनों के साथ ये जो माफिया है ये खनन करते हुए नजर आते हैं, ये माइनिंग की जाती है और वैसा ही कुछ सोरनकोट में अवैध खनन माफियाओं में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आकाश मलिक यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं तो आकाश से पूरी जानकारी लेंगे। आकाश पहले तो आपसे सवाल ये रहेगा मेरा कि अभी तक इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अगर आम जनता को ये माइनिंग होती हुई नजर आ रही है और इलीगल तरीके से माइनिंग की जा रही है तो प्रशासन आखिरकार आंखें बंद कर क्यों बैठा है? जी पल्लवी, मैं आपको बताता चलूं, ये लसाना के मकाम पे जो है एक कुछ जेसीबी मशीन लगाई गई जिसमें काफी सारी मशीन जो है इलीगल मशीन चल रही है। वहीं पे बात करिए जिस आदमी वहां पे जो है डिपार्टमेंट या पुंछ पुलिस के साथ साथ उनको पुलिस की बात करें उनको एक एप्लीकेशन जो है दी गई और मौके के जो है SHO सोरनकोट उसके साथ साथ SDPO सोरनकोट से भी अभी बात हुई। उनका कहना है कि आने वाले कुछ ही 5 या 10 मिनट के अंदर अभी जो है उनको इन्फो मिली है और इस वक्त जो है कुछ मशीन्स जो है अभी जो हमें खबर मिली है जराए के हवाले से ये खबर आ रही है कि कुछ मशीन्स को पुलिस ने जो है जब्त भी कर लिए और वहीं पे पुलिस ने ये भी कहा है कहीं पे भी इलीगल माइनिंग जो है बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पे SDPO सोरनकोट से जिस तरह मैंने पहले भी बताया अभी भी बात हुई है, उनने कहा जो ही हमें कहीं भी चाहे इलीगल माइनिंग हो चाहे ड्रग्स के हवाले से कोई खबर हो कोई भी खबर जो ही पुलिस को मिलती है तो पुलिस जो है उस वक्त जेरे नंबर उसी वक्त जो है मौका वारदात पर पहुंच के
निरीक्षण करती है। आज की बात करूं, इस वक्त भी उस मकाम पे जो है जेसीबी मशीन्स जीरो लाइन सिस्टम पे मैंने अभी देखा है कि मशीन्स लगी हुई थी, और आने जिस तरीके से एज पर टेलीफोनिक वाली डीएसपी सोन कोर्ट से बात हुई है, उनने कहा है आने वाले 5 या 10 मिनट में वहां पे जो है पुलिस की टीम पहुंचेगी और इन सारी जेसीबी को जो है जब्त किया जाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर धड़ल्ले से ये जो माइनिंग है इसका काम किया जा रहा है। सुरनकोट की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Ford Healthcare Limited, देश की